हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। देश और दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अभी भी बढ़ती जा रही है। भले ही एक तरफ दावा किया जा रहा हो कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन ये भी सच है कि अगर लोग सही हो रहे हैं तो उससे कहीं ज्यादा लोग रोजाना कोरोना से संक्रमित भी हो रहे हैं। और इसके पीछे की मुख्य वजह निकल कर ये आ रही है कि कुछ लोगों में देखिए सिम्टम्स भी नहीं है, लेकिन वो गाहे बगाहे उन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं जो पहले से कोरोना से संक्रमित है और उन्हें ये चीज़ नहीं पता है। ऐसे में अब इससे कैसे बचा जाए? जाहिर सी बात है, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि लाखों करोड़ों की तादाद में फैन फॉलोइंग रखने वाले और मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान भी इसी लिस्ट में शामिल हैं जो कोरोना के दौरान एहतियात नहीं बरत रहे हैं। और यही वजह है कि भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, अब ये तो सब जानते हैं कि आमिर खान अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग में बिजी हैं। दिल्ली में वो शूटिंग कर रहे थे और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि आमिर खान गाज़ियाबाद में शूटिंग कर रहे हैं और इसी दौरान बहुत एक उनका सीक्वेंस था जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ उनको शूट करना था। चलिए मानते हैं शूटिंग के दौरान वो मुंह पर मास्क नहीं लगा सकते थे, लेकिन जब लोगों को ये पता चला कि आमिर खान गाज़ियाबाद में है, वहाँ पर शूटिंग कर रहे हैं, तो इस दौरान बहुत सारे लोग उनके पास आ गए कि हमें फ़ोटो क्लिक करवानी है। इस दौरान भी जो तस्वीर निकल कर सामने आई वो बेहद चिंताजनक है। आमिर खान ने बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बिना मास्क लगाए लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाई। ये बात लोनी के भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर को नागवार गुजरी है, लिहाजा उन्होंने आमिर खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि वो एक आइडियल हैं, लोग उनको देखते हैं, समझते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अगर आमिर खान जैसा शख्स जिसको मिस्टर परफेक्शनिस्ट का तमगा दिया गया है, अगर वो इस तरह का काम करेगा तो फिर इसका असर लोगों पर किस तरह से पड़ेगा? तो आमिर खान की मुश्किलें फिलहाल आने वाले दिनों में बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब देखना यह होगा कि शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के तहत कोई मामला किया जाता है या नहीं, और अगर किया जाता है तो फिर उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। इसी बीच आपको यह भी बता दूं कि जो लाल सिंह चड्ढा है जिसकी शूटिंग आमिर खान कर रहे हैं, वो अगले साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। तो जरूर बताइएगा हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आमिर खान का ये जो भूल सामने आई है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, और साथ ही साथ जिस फिल्म की वो शूटिंग कर रहे हैं यानी कि लाल सिंह चड्ढा, उसको लेकर आपके अंदर कितना एक्साइटमेंट है।